अध्याय 20। पहला काम। हैरी रविवार की सुबह उठा और बहुत लापरवाही से कपड़े पहनने लगा। इतनी लापरवाही से कि कुछ समय बाद जाकर उसे यह एहसास हुआ कि वह अपने पैर में मोजे की बजाय टोपी पहनने की कोशिश कर रहा था। जब उसने आखिरकार अपने शरीर पर सही कपड़े पहन लिए तो वह जल्दी से हरमाइनी की तलाश में गया। वह उसे बड़े हॉल में गरुड़द्वार की टेबल पर मिल गई, जहां वह जिनी के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। हैरी का खाने का मन नहीं था। उसने इंतजार किया जब तक कि हरमाइनी ने दलिये का आखिरी कौर गले से नीचे नहीं उतार लिया। फिर वह उसे खींचकर मैदान में घूमने के लिए ले गया। वहां झील के चारों तरफ काफी देर तक घूमते हुए हैरी ने हरमाइनी को ड्रैगनों और सीरियस की कई बातों के बारे में बताया। हालांकि हरमाइनी कारक्रॉफ्ट के बारे में मिली सीरियस की चेतावनी के कारण दहशत में आ गई, लेकिन उसका मानना था कि इस वक्त ड्रैगन की समस्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने हताशा से कहा, पहली चिंता तो तुम्हारे मंगलवार की शाम तक जिंदा रहने की है। कारक्रॉफ्ट की चिंता तो हम बाद में भी कर सकते हैं। वे 3 बार झील के चारों तरफ घूमे और ड्रैगन को काबू में करने वाले किसी आसान मंत्र को याद करने की कोशिश करते रहे। उन्हें ऐसा कोई मंत्र याद नहीं आया, इसलिए वे लाइब्रेरी में चले गए। वहां पर हैरी ने ड्रैगन पर मिलने वाली हर पुस्तक निकाल कर टेबल पर रख ली। कुछ ही देर में वह और हरमाइनी ढेर सारी पुस्तकों में अपने काम का मंत्र खोज रहे थे। सम्मोहन से नाखून तराशना, चमड़ी गलने का उपचार, इसमें कोई फायदा नहीं होगा। यह तो हैग्रिड जैसे पागलों के लिए है जो उन्हें तंदुरुस्त रखना चाहते हैं। ड्रैगन्स को मारना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनकी मोटी चमड़ी में प्राचीन जादू होता है। इस जादू को सिर्फ बहुत शक्तिशाली मंत्रों से ही भेदा जा सकता है, लेकिन सीरियस ने तो कहा था कि एक आसान से मंत्र से काम हो जाएगा। चलो कुछ आसान मंत्रों की पुस्तकें देखते हैं। हैरी ने एक पुस्तक पलटते हुए कहा, जिसका शीर्षक था, उन लोगों के लिए जो ड्रैगनों से बहुत प्रेम करते हैं। हैरी मंत्रों की पुस्तकों का ढेर लेकर टेबल पर लौटा। पुस्तकों को नीचे रखकर वह बारी बारी से उन्हें देखने लगा। हरमाइनी उसकी कोहनी के पास से लगातार बोलती जा रही थी, देखो यहाँ रूप परिवर्तन के मंत्र तो हैं, लेकिन ड्रैगन का रूप बदलने से क्या फायदा होगा? जब तक कि तुम उसे कम खतरनाक बनाने के लिए उसके जहरीले दांतों को च्युइंगम या ऐसी किसी चीज में ना बदल दो। जैसा उस पुस्तक में लिखा था, मुश्किल यह है कि ड्रैगन की मोटी चमड़ी को भेदना आसान नहीं है। मैं तो कहूंगी कि उसका रूप परिवर्तन करना सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन इतने बड़े ड्रैगन का रूप परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? तुमसे यह नहीं होगा। मुझे तो लगता है प्रोफेसर मैकगोनिगल भी यह काम नहीं कर पाएंगी। हाँ, तुम खुद पर मंत्र पढ़कर अपना रूप परिवर्तन जरूर कर सकते हो। हो सकता है इससे तुम्हें कुछ ज्यादा शक्तियां मिल जाएं, लेकिन ऐसे मंत्र पढ़ना आसान नहीं है। मेरा मतलब है, हमने क्लास में अब तक उनके बारे में नहीं पढ़ा है। मैं तो उनके बारे में सिर्फ इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैं OWL की प्रैक्टिस पेपर्स के लिए उन्हें पढ़ रही हूँ। हरमाइनी, हैरी दांत भींच कर बोला, क्या तुम थोड़ी देर चुप रहोगी? मैं ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ। हरमाइनी चुप हो गई, लेकिन इसके बावजूद हैरी अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया। उसके दिमाग में तो उथल पुथल मची हुई थी। वह व्यस्त और परेशान लोगों के लिए मूलभूत मंत्र पुस्तक की विषय सूची को घूरता रहा, जिसके अध्याय थे, तत्क्षण सिर के बाल उतारना, लेकिन ड्रैगनों के बाल नहीं होते हैं। पेपरमेंट भरी सांस, इससे शायद ड्रैगन की आग उगलने की शक्ति बढ़ जाएगी। सींगदार जीव, इसी की तो उसे जरूरत थी। इससे ड्रैगन को एक और हथियार मिल जाएगा। ओह नहीं, वह दोबारा आ गया। वह अपने जहाज पर क्यों नहीं पड़ता? हरमाइनी ने चिढ़कर कहा, जब विक्टर क्रम लंगड़ाते हुए अंदर आया और उन दोनों पर चिढ़ भरी नजर डालकर दूरवाने कोने में किताबों के ढेर के पास बैठ गया। चलो हैरी, हम वापस हॉल में चलते हैं। उसकी चहेतियां एक ही पल में यहाँ खीखी करते हुए आ जाएंगी। यही हुआ। जब वे लाइब्रेरी से बाहर जा रहे थे तो उन्हें कई लड़कियां पंजों के बल लाइब्रेरी के भीतर जाती दिखी। उनमें से एक ने अपनी कमर में बल्गारिया का स्कार्फ बांध रखा था। हैरी को उस रात मुश्किल से नींद आई। जब वह सोमवार की सुबह जागा तो उसने जिंदगी में पहली बार हॉगवर्ट से भागने के बारे में गंभीरता से सोचा। लेकिन जब उसने नाश्ते के समय बड़े हॉल में चारों तरफ देखा और इस बारे में सोचा कि महल छोड़ने का क्या मतलब होगा, तो वह समझ गया कि वह ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। यह इकलौती जगह थी जहां उसे खुशी मिलती थी। उसे लगा कि शायद वह अपने मम्मी डैडी के साथ भी खुश रहा होगा, लेकिन उसे तब की याद नहीं थी। आखिर वह इस नतीजे पर पहुंचा कि प्राइवेट ड्राइव में जाकर डटली के साथ रहने की बजाय यहीं रहकर ड्रैगन का सामना करना ज्यादा ठीक रहेगा। यह निर्णय लेने के बाद वह थोड़ा शांत हो गया। उसने अपना नाश्ता मुश्किल से खत्म किया। उसका गला ज्यादा अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था।
इसके बाद जब वह और हरमाइनी उठकर खड़े हुए तो उसने देखा कि सेड्रिक डिगोरी भी मेहनतकश की टेबल से उठ रहा था। सेड्रिक को ड्रैगन्स के बारे में मालूम नहीं था। वह एकमात्र चैंपियन था जिसे यह बात मालूम नहीं है, क्योंकि मैडम मैक्सिन और कार्प्रॉफ ने फ्लर और क्रम को बता दिया होगा। हरमाइनी, मैं तुमसे ग्रीन हाउस में मिलता हूँ, हैरी ने कहा जब उसने सेड्रिक को हॉल से निकलते हुए देखकर एक फैसला किया। चलो मैं अभी आता हूँ। हैरी, तुम्हें देर हो जाएगी, घंटी बजने ही वाली है। मैं 1 मिनट में आता हूँ, ठीक है? जब तक हैरी संगमरमर की सीढ़ियों के पास पहुंचा, सेड्रिक ऊपर पहुंच चुका था। उसके साथ सिक्स टीयर के बहुत से उसके दोस्त थे। हैरी उन लोगों के सामने सेड्रिक से बातचीत नहीं करना चाहता था, क्योंकि वे रीटा स्कीटर की लेख की बातें सुना सुनाकर उसे ताने मारते रहते थे। हैरी कुछ दूर रहकर सेड्रिक का पीछा करता रहा। सेड्रिक सम्मोहन की क्लासरूम की तरफ जा रहा था। इससे हैरी को एक उपाय सूझा। सेड्रिक के थोड़े पीछे रहकर उसने अपनी छड़ी बाहर निकाली और सावधानी से निशाना साधा। विदारणों, हैरी का निशाना सही जगह पर लगा और सेड्रिक का बैग फट गया। उसमें रखे चरम पत्र, कलम और किताबें फर्श पर गिर गईं तथा स्याही की कई बोतलें फूट गईं। चिंता मत करो, सेड्रिक ने परेशान आवाज में कहा जब उसके दोस्त उसकी मदद करने के लिए झुके। फिल्टविक सर से कह देना कि मैं बस आ ही रहा हूँ, तुम लोग क्लास में जाओ। हैरी को इस बात की ही उम्मीद थी। उसने अपनी छड़ी दोबारा दुशाले में रखी और सेड्रिक के दोस्तों के क्लास में जाने का इंतजार करने लगा। उनके जाते ही वह तेजी से सेड्रिक की तरफ बढ़ा। गलियारे में अब उसके और सेड्रिक के सिवाय और कोई नहीं था। हाय, सेड्रिक ने उच्च रूप परिवर्तन मार्गदर्शिका पुस्तक उठाते हुए कहा, जो स्याही में पूरी तरह भीग चुकी थी। मेरा बैग न जाने कैसे फट गया, बिल्कुल नया था। सेड्रिक, हैरी ने कहा, पहले काम में हमें ड्रैगनों को पार करना है। क्या? सेड्रिक ने ऊपर देखते हुए कहा। ड्रैगन, हैरी ने जल्दी से कहा, ताकि कहीं प्रोफेसर फिल्टविक यह देखने के लिए क्लास से बाहर ना आ जाए कि सेड्रिक कहाँ चला गया। कुल 4 ड्रैगन हैं, हम में से हर एक लिए एक ड्रैगन है और हमें उसे पार करना है। सेड्रिक ने उसे घूर कर देखा। शनिवार की रात से हैरी जिस दहशत में जी रहा था, उसमें से कुछ सेड्रिक की भूरी आंखों में भी दिखाई देने लगी। सेड्रिक ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? बिल्कुल, हैरी बोला, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला? हमें यह बात मालूम नहीं होनी चाहिए। उसे छोड़ो, हैरी ने जल्दी से कहा। वह जानता था कि अगर उसने सच्चाई बता दी तो हैग्रिड मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन मैं अकेला ही नहीं हूँ जिसे यह बात मालूम है। फ्लर और क्रम को भी यह बात मालूम है। मैक्सिम और कार्क्रॉफ्ट ने भी ड्रैगन देख लिए थे। सेड्रिक उठकर खड़ा हुआ। उसके हाथों में स्याही से भरी कलमें, चरम पत्र और पुस्तकें थी। उसका फटा बैग उसके कंधे पर लटक रहा था। उसने हैरी को घूर कर देखा और उसकी आंखों में हैरानी का, लगभग संदेह का भाव था। उसने पूछा, तुम मुझे यह बात क्यों बता रहे हो? हैरी ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। उसे यकीन था कि अगर सेड्रिक खुद ड्रैगन देख लेता तो यह सवाल नहीं पूछता। हैरी बिना किसी तैयारी के अपने बुरे से बुरे दुश्मन को भी उन ड्रैगनों के सामने नहीं जाने देता। हाँ, जब तक कि वे मैलफॉय या स्नेप ना हो। यह न्यायपूर्ण है ना? उसने सेड्रिक से कहा। अब हम सभी जानते हैं, अब हम सभी बराबरी पर हैं, है ना? सेड्रिक अब भी उसे थोड़े शक भरे अंदाज में देख रहा था। तभी हैरी को अपने पीछे ठक ठक की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा कि बावरिन एंड मूडी पास के ही एक क्लासरूम से बाहर निकल रहे थे। मेरे साथ चलो, पॉटर, वे गुर्रा कर बोले। डिगोरी, तुम अपनी क्लास में जाओ। हैरी ने मूडी को डर कर देखा। क्या उन्होंने उन दोनों की बातें सुन ली थी? और प्रोफेसर, मुझे जड़ी बूटी विज्ञान की क्लास में जाना है। उसकी चिंता छोड़ो पॉटर, मेरे ऑफिस में चलो। हैरी उनके पीछे पीछे चल दिया। वह सोचता जा रहा था कि अब उसके साथ न जाने क्या होने वाला है। कहीं मूडी यह तो नहीं जानना चाहेंगे कि उसे ड्रैगनों के बारे में कैसे मालूम चला। कहीं मूडी डंबलडोर के पास जाकर हैग्रिड के बारे में तो नहीं बता देंगे, या फिर हैरी को नेवले में तो नहीं बदल देंगे। हैरी ने सोचा कि अगर वह नेवला बन गया तो उसे ड्रैगन के पार जाने में ज्यादा आसानी होगी। तब वह बहुत छोटा हो जाएगा और 50 फुट की ऊंचाई से ड्रैगन उसे नहीं देख पाएगा। वह मूडी के पीछे पीछे उनके ऑफिस में पहुंच गया। मूडी ने दरवाजा बंद किया और हैरी की तरफ मुड़े। उनकी जादुई और सामान्य दोनों आंखें उसी पर टिकी हुई थी। मूडी ने धीरे से कहा, तुमने अभी अभी बहुत अच्छा काम किया है पॉटर। हैरी को समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे, क्योंकि उसे उनसे इस तरह की प्रतिक्रिया की तो उम्मीद ही नहीं थी। मूडी ने कहा, बैठ जाओ। हैरी बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। वह पिछले 2 टीचर्स के कार्यकाल में इस ऑफिस में आ चुका था।
प्रोफेसर लॉकहार्ट के जमाने में दीवारों पर खुद प्रोफेसर लॉकहार्ट की मुस्कुराती और आंख मारती हुई तस्वीर लगी रहती थी। जब ल्यूपिन यहाँ रहते थे तो यहाँ पर कोई ना कोई आकर्षक नया गुप्त प्राणी रखा हुआ था जिसके बारे में वे क्लास में पढ़ाना चाहते थे। बहरहाल अब इस ऑफिस में बहुत सी बेहद अजीब चीजें भरी हुई थी। हैरी को लगा कि मूडी इन चीजों का इस्तेमाल तब करते होंगे जब वे ऑरर हुआ करते थे। उनकी डेस्क पर एक बड़ा और चटका हुआ कांच का लट्टू रखा था। हैरी उसे देखते ही एकदम पहचान गया कि यह मुखबिर यंत्र था। उसके पास भी एक मुखबिर यंत्र था, हालांकि वह मूडी के मुखबिर यंत्र से बहुत छोटा था। एक कोने में एक छोटी टेबल रखी थी जिस पर मुड़े हुए सुनहरे टेलीविजन एरियल जैसी कोई चीज रखी थी। उसमें से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। हैरी के सामने वाली दीवार पर एक आईना टंगा था, लेकिन उसमें कमरे का प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा था। इसकी बजाय उस आईने में छायादार आकृतियां घूम रही थी जो स्पष्ट नहीं दिख रही थी। गुप्त कलाओं को पकड़ने के मेरे यंत्र पसंद आए, मूडी ने कहा, जो हैरी को गौर से देख रहे थे। वह क्या है? हैरी ने मुड़े हुए सुनहरे एरियल की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मूडी बोले, गोपन संवेदक है। किसी के झूठ बोलते ही यह कंपन करने लगता है। जाहिर है यहाँ इसका कोई फायदा नहीं है। हर तरफ विद्यार्थी झूठ बोलते रहते हैं कि उन्होंने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया। जब से मैं यहाँ आया हूँ यह लगातार कंपन कर रहा है। मुझे अपने मुखबिर यंत्र को इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि इसकी सीटी हमेशा बजती रहती थी। यह बहुत ही संवेदनशील है। यह 1 मील से भी ज्यादा दूर तक होने वाली किसी भी गलत चीज को झट से पकड़ लेता है। उन्होंने गुर्राते हुए आगे जोड़ा, जाहिर है विद्यार्थियों के गलत कामों के अलावा भी यह कई महत्वपूर्ण चीजें पकड़ सकता है। और यह आईना किस लिए है? ओह, यह तो मेरा शत्रु आईना है। इसमें मेरे शत्रु चारों तरफ मंडराते हुए दिखते हैं। जब तक कि मुझे उनकी आंखें नहीं दिख जाती तब तक मुझ पर कोई मुश्किल नहीं आ सकती। और उस वक्त मैं अपना संदूक खोल लेता हूँ। उन्होंने हल्के से रूखी हंसी हंसते हुए खिड़की के नीचे रखे एक बड़े संदूक की तरफ इशारा किया। संदूक में एक कतार में 7 चाबियों के छेद थे। हैरी ने सोचा कि इसके अंदर न जाने क्या होगा, लेकिन मूडी का अगला सवाल उसे सीधा जमीन पर ले आया। तो तुमने यह फैसला कर लिया कि तुम ड्रैगन से कैसे निपटोगे? हैरी झिझका। उसे इस बात का डर था, लेकिन उसने सेड्रिक को नहीं बताया था और वह निश्चित रूप से मूडी को भी नहीं बताने वाला था कि हैग्रिड ने नियम तोड़े थे। ठीक है, मूडी ने बैठते हुए और आह भरते हुए अपने लकड़ी के पैर को फैलाया। धोखा देना जादूगरी के त्रिकोणीय टूर्नामेंट का पारंपरिक हिस्सा है और ऐसा हमेशा से होता है। मैंने धोखा नहीं दिया, हैरी ने जल्दी से कहा। यह तो एक तरह का सहयोग था जिससे मुझे पता चल गया। मूडी मुस्कुराए। लड़के, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं तो शुरू से ही डम्बलडोर से कह रहा था कि वे चाहे जितने आदर्श बन जाएं, लेकिन कार्क्रॉफ्ट और मैक्सिम से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने चैंपियनों को अब तक हर वह बात बता दी होगी जो वे बता सकते होंगे। वे जीतना चाहते हैं, वे डम्बलडोर को हराना चाहते हैं, वे ये साबित करना चाहते हैं कि डम्बलडोर भी इंसान है। मूडी रूखी हंसी हंसने लगे और उनकी जादुई आंख इतनी तेजी से घूमने लगी कि हैरी को उसकी तरफ देखने में दहशत होने लगी। मूडी ने पूछा, तो कुछ सोचा कि तुम ड्रैगन को पार कैसे करोगे? हैरी ने कहा, नहीं। देखो, मैं तुम्हें इसका तरीका नहीं बताऊंगा, मूडी ने रूखेपन से कहा। मैं पक्षपात नहीं करता। मैं तुम्हें बस सामान्य समझदारी भरी सलाह दे सकता हूँ। और पहली सलाह यह है, अपनी शक्तियों का लाभ उठाओ। हैरी के मुंह से ना चाहते हुए भी निकल गया, मेरे पास कोई शक्ति है ही नहीं। बेवकूफी भरी बात मत करो, मूडी गुर्रा कर बोले। अगर मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास शक्ति है तो तुम्हारे पास जरूर होगी। इस बारे में अच्छी तरह सोचो, तुम कौन सा काम सबसे अच्छी तरह कर सकते हो? हैरी ने सोचने की कोशिश की, वह कौन सा काम सबसे अच्छी तरह कर सकता है? इसका जवाब बहुत आसान था, क्विडिच, उसने धीरे से कहा। लेकिन उससे क्या मदद? सही कहा, मूडी ने उसे सख्ती से घूरते हुए कहा और उनकी जादुई आंख बिल्कुल स्थिर हो गई। जैसा कि मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा उड़ लेते हो। हाँ, लेकिन, हैरी ने उन्हें घूरा, मुझे झाड़ू ले जाने की इजाजत नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ मेरी जादू की छड़ी रहेगी। मेरी दूसरी सामान्य सलाह यह है, मूडी ने उसकी बात काटते हुए और जोर से कहा, कि जिस चीज की तुम्हें जरूरत है उसे पाने के लिए किसी आसान और अच्छे मंत्र का इस्तेमाल करो। हैरी ने मूर्खों की तरह उनकी तरफ देखा। उसे किस चीज की जरूरत थी? देखो लड़के, मूडी ने फुसफुसाकर कहा, दोनों चीजों को जोड़ दो। यह करना कोई खास मुश्किल काम नहीं है।
हैरी को तुरंत समझ में आ गया, वह उड़ने में निपुण था, उसे ड्रैगन को पार करना था। इसके लिए उसे अपनी फायर बोल्ट की जरूरत थी, और अपनी फायर बोल्ट के लिए उसे जरूरत थी हरमाइनी की। 10 मिनट बाद जब हैरी ग्रीन हाउस नंबर 3 में भागते हुए घुसा, तो प्रोफेसर स्प्राउट से जल्दी से माफी मांगते हुए उनके पास से निकला और हरमाइनी के पास पहुंचकर बोला, हरमाइनी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ हैरी? उसने फुसफुसाकर कहा, जिस फड़फड़ाती झाड़ी को वह तराश रही थी उसके ऊपर उसकी आंखें चिंता के कारण गोल हो गई। हरमाइनी, मुझे कल दोपहर तक आवाहन सम्मोहन में निपुण होना है। उन्होंने जमकर प्रैक्टिस की, उन्होंने लंच तक नहीं किया। इसके बजाय लंच के दौरान वे खाली क्लासरूम में गए, जहां हैरी ने कई चीजों को कमरे के पार अपनी तरफ उड़ाने की भरकस कोशिश की। उसे इस काम में काफी दिक्कत हो रही थी। पुस्तकें और कलमें कमरे में आधी दूरी तक तो आ जाती थी, लेकिन फिर पत्थर की तरह फर्श पर गिर जाती थी। ध्यान केंद्रित करो हैरी, ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? हैरी ने गुस्से से कहा, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिमाग में एक गंदी सी बड़ी ड्रैगन बार बार आ जाती है। ठीक है, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। प्रैक्टिस करने के लिए वह अपनी ज्योतिष की क्लास भी छोड़ना चाहता था, लेकिन हरमाइनी ने साफ इनकार कर दिया कि वह अंकों का जादुई महत्व की अपनी क्लास नहीं छोड़ेगी। हरमाइनी के बिना रुकने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए हैरी को मजबूरन 1 घंटे से ज्यादा समय तक प्रोफेसर ट्रिलोनी को झेलना पड़ा, जो आधे घंटे तक क्लास को यह बताती रही कि इस समय शनि और मंगल की स्थिति ऐसी है कि जुलाई में पैदा हुए लोगों को अकस्मात और हिंसक मृत्यु का बहुत ज्यादा खतरा है। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है, हैरी ने जोर से कहा, क्योंकि उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया था। बशर्ते मैं घिसट घिसट के ना मरूं, मैं ज्यादा समय तक कष्ट नहीं उठाना चाहता। एक पल के लिए रॉन ने उसकी तरफ देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वह हंसने वाला हो। उसने कई दिनों बाद हैरी से नजरें मिलाई थी, लेकिन हैरी अब रॉन से इतना चिढ़ने लगा था कि उसे इस बात की परवाह नहीं थी। बाकी की क्लास में हैरी अपनी टेबल के नीचे से छोटी छोटी चीजों को अपनी छड़ी से आकर्षित करने की कोशिश करता रहा। एक मक्खी सीधे उसके हाथ पर आकर बैठ गई। हालांकि हैरी को पूरी तरह भरोसा नहीं था कि वह आवाहन सम्मोहन के कारण हुआ होगा, शायद मक्खी ही मूर्ख थी। ज्योतिष की क्लास के बाद उसने ना चाहते हुए भी थोड़ा सा खाना खाया और फिर हरमाइनी के साथ खाली क्लासरूम में चला गया। टीचर्स की नजरों से बचने के लिए उसने अदृश्य चोगा पहन लिया। वे आधी रात तक प्रैक्टिस करते रहे। वे वहां और ज्यादा समय तक रुकते, लेकिन तभी पीव्स वहां आ गया। उसे लगा हैरी यह चाहता है कि उसकी तरफ चीजें फेंकी जाएं, इसलिए वह हैरी की तरफ कुर्सियां फेंकने लगा। हैरी और हरमाइनी जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए। वे जानते थे कि आवाजें सुनकर फिल्च कभी भी वहां आ सकता है। वे गणद्वार के हॉल में आ गए, जो अब खाली हो चुका था। रात को 2 बजे हैरी अंगीठी के पास खड़ा हुआ। उसके आसपास बहुत सारी चीजों का ढेर लगा था, जिनमें किताबें, कलमें, कई उल्टी कुर्सियां और नेवल का मेंढक ट्रेवर थे। सिर्फ आखिरी आधे घंटे में ही हैरी आवाहन सम्मोहन में निपुण हो पाया था। हरमाइनी ने थके लेकिन खुश अंदाज में कहा, यह बेहतर है हैरी, यह पहले से बहुत बेहतर है। हाँ, अब पता चल गया कि अगली बार जब मुझे किसी मंत्र में निपुणता हासिल करनी हो तो क्या करना है। हैरी ने पुरातन लिपियों की डिक्शनरी हरमाइनी की तरफ फेंकते हुए कहा, ताकि वह दोबारा कोशिश कर सके। मुझे ड्रैगन से डरा देना, ठीक है? उसने एक बार फिर अपनी छड़ी उठाई। आगमनो डिक्शनरी, भारी पुस्तक हरमाइनी के हाथ से निकलकर हैरी की तरफ उड़ी और हैरी ने उसे पकड़ लिया। हरमाइनी ने खुश होते हुए कहा, हैरी, मुझे लगता है अब तुम इसमें सचमुच पारंगत हो चुके हो। बस यह कल साथ दे जाए, हैरी बोला। फायरबोल्ट इन चीजों की अपेक्षा बहुत दूर रहेगी। वह महल के अंदर रहेगी, जबकि मैं बाहर मैदान में रहूंगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हरमाइनी ने दृढ़ता से कहा। अगर तुम उस पर सचमुच अच्छे से ध्यान केंद्रित करोगे तो वह जरूर आएगी। हैरी, अच्छा यही रहेगा कि अब हम थोड़ी देर सो लें, तुम्हें नींद की जरूरत है। आवाहन सम्मोहन मंत्र सीखने के लिए हैरी उस शाम को इतना ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसकी दहशत काफी कम हो गई, लेकिन अगली सुबह दहशत पूरी तेजी से वापस लौट आई। स्कूल का माहौल तनाव और रोमांच से भरा हुआ था। क्लासें दोपहर को जल्दी खत्म होने वाली थी, ताकि सभी विद्यार्थी ड्रैगनों के बाड़े तक पहुंच सके। हालांकि विद्यार्थियों को यह बात नहीं मालूम थी कि वहां पर ड्रैगन है। हैरी खुद को अपने आसपास के लोगों से बिल्कुल अलग थलग महसूस करने लगा। भले ही उसके पास से गुजरते हुए वे उसे गुड लक कह रहे हों या फुसफुसा कर कह रहे हों, हम तुम्हारे लिए रुमाल तैयार रखेंगे पॉटर।
वह इतना ज्यादा घबरा रहा था कि उसने सोचा कहीं ड्रैगन को देखते ही वह पागल ना हो जाए और अपने आसपास दिखने वाले हर व्यक्ति को श्राप ना देने लगे। समय बड़ी ही अजीब तरीके से चलने लगा। यह बड़े बड़े डग भर रहा था। उसे लगा एक पल वह अपनी पहली क्लास जादू का इतिहास में बैठा था और दूसरे ही पल वह लंच करने के लिए जा रहा था। और फिर सुबह कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। ड्रैगन विहीन आखिरी घंटे कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। प्रोफेसर मैगोनिगल बड़े हॉल में जल्दी से उनके पास आई। बहुत से विद्यार्थियों ने देख रहे थे। पॉटर, चैंपियनों को अब मैदान में पहुंचना है। तुम्हें अपने पहले काम की तैयारी करनी है। ठीक है, हैरी ने खड़े होते हुए कहा। उसका काटा छन्नी की आवाज करता हुआ प्लेट में गिर गया। गुड लक हैरी, हरमाइनी फुसफुसा कर बोली। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, हैरी ने ऐसी आवाज में कहा जो उसकी नहीं लग रही थी। वह प्रोफेसर मैगोनिगल के साथ बड़े हॉल से बाहर निकला। यहाँ तक कि वे भी आज काफी अलग दिख रही थी। दरअसल वे भी हरमाइनी जितनी ही चिंतित दिख रही थी। जब वे उसके साथ पत्थर की सीढ़ियों पर नीचे उतरी और नवंबर की सर्द धूप में बाहर निकली तो उन्होंने हैरी के कंधे पर हाथ रखा। वे बोली, दहशत में मत आना, बस अपने दिमाग को ठंडा रखना। अगर स्थिति बिगड़ जाती है तो उसे संभालने के लिए जादूगर पास में ही रहेंगे। खास बात यह है कि तुम अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करना। अगर तुम हार भी गए तब भी तुम्हारे बारे में कोई बुरी राय नहीं रखेगा। तुम ठीक तो हो? हाँ, हैरी ने खुद को कहते हुए पाया। हाँ, मैं ठीक हूँ। वे उसे जंगल के किनारे से घुमाकर ड्रैगनों के अहाते की तरफ ले जा रही थी। लेकिन जब वे पेड़ों के झुरमुट के पास पहुंचे जहां से अहाता नजर आता था तो हैरी ने देखा कि ड्रैगनों के अहाते को छिपाने के लिए तंबू लगा दिया गया था ताकि चैंपियनों को ड्रैगन नजर ना आए। तुम्हें बाकी चैंपियनों के साथ इसी तंबू में जाना है, प्रोफेसर मैगोनिगल ने थोड़ी कांपती हुई आवाज में कहा। अपनी बारी का इंतजार करना पॉटर, मिस्टर बैगमैन अंदर ही हैं। वे तुम्हें बताएंगे कि कब क्या करना है। गुड लक। धन्यवाद, हैरी ने कहा। उसे अपनी ही आवाज अजनबी लग रही थी। प्रोफेसर मैगोनिगल उसे तंबू के दरवाजे के पास छोड़कर चली गई। हैरी तंबू के भीतर गया। फ्लर डेलाकोर एक कोने में लकड़ी के स्टूल पर बैठी हुई थी। आज वह हमेशा जितनी शांत नहीं दिख रही थी। इसके बजाय उसका चेहरा थोड़ा पीला और पसीना पसीना दिख रहा था। विक्टर क्रम हमेशा से ज्यादा चिड़चिड़ा लग रहा था। हैरी को लगा कि ऐसा शायद घबराहट के कारण होगा। सैड्रिक इधर से उधर टहल रहा था। हैरी के भीतर आते समय सैड्रिक धीरे से मुस्कुराया। हैरी भी मुस्कुराया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके चेहरे की मांसपेशियां सख्त हो गई थी, जैसे वे भूल गई हों कि मुस्कुराया कैसे जाता है। हैरी, बहुत बढ़िया, बैगमैन ने खुश होकर उसे देखते हुए कहा। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। पीले चेहरे वाले चैंपियनों के बीच खड़े हुए बैगमैन किसी कार्टून जैसे लग रहे थे। उन्होंने आज फिर अपना ततैये वाला दुशाला पहन रखा था। बैगमैन ने उत्साह से कहा, अच्छा अब सभी चैंपियन यहाँ आ चुके हैं। आप लोगों को कुछ बातें बतानी हैं। जब दर्शक बैठ जाएंगे तो मैं आपके सामने यह बैग रखूंगा। उन्होंने रेशम का एक छोटा बैंगनी बैग उठाकर दिखाया, जिसमें से आप उस चीज का छोटा मॉडल चुनेंगे जिसका आपको सामना करना है। वे अलग अलग प्रजातियों के हैं। मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। आह हाँ, आपका काम सुनहरे अंडे को उठाकर लाना है। हैरी ने बाकी चैंपियनों की तरफ देखा। सैड्रिक ने यह दिखाने के लिए सिर हिलाया कि वह बैगमैन के शब्दों का मतलब समझ गया है। इसके बाद वह एक बार फिर टेंट में चारों तरफ टहलने लगा। उसका चेहरा थोड़ा हरा दिख रहा था। फ्लर डेलाकोर और क्रम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। शायद उन्हें यह लग रहा होगा कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो उन्हें उल्टी हो सकती है। निश्चित रूप से हैरी को तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन वे लोग तो इस प्रतियोगिता में अपनी इच्छा से शामिल हुए थे। कुछ ही समय बाद चैंपियनों को दर्शक के आने की आवाजें सुनाई देने लगी। सैकड़ों लोग रोमांच भरे स्वर में बातें और हंसी मजाक करते हुए टेंट के पास से गुजर रहे थे। हैरी दर्शकों की भीड़ से खुद को इस तरह अलग महसूस करने लगा जैसे वे किसी अलग प्रजाति के लोग हों। और फिर हैरी को लगा कि एक सेकंड बाद ही बैगमैन रेशम के बैंगनी बैग को खोल रहे थे। पहले महिलाएं, उन्होंने फ्लर डेलाकॉर की तरफ बैग बढ़ाते हुए कहा। फ्लर ने बैग में कांपता हुआ हाथ डाला और एक ड्रैगन का छोटा मॉडल निकाला, वेल्श ग्रीन। इसकी गर्दन में डले कार्ड पर 2 लिखा था। फ्लर के चेहरे पर हैरानी का नहीं बल्कि संकल्प का भाव दिख रहा था, जिससे हैरी समझ गया कि उसका अंदाजा सही था। मैडम मैक्सिन ने फ्लर को बता दिया था कि पहला काम क्या करना है। यही क्रम के बारे में भी सच था। उसने लाल चाइनीज फायरबॉल के मॉडल को बाहर निकाला। उसकी गर्दन में डले कार्ड पर 3 लिखा था।
उसने पलके तक नहीं झपकाई, बस लगातार जमीन को घूर कर देखता रहा। फिर सेड्रिक ने बैग में हाथ डाला और नीले भूरे स्वेडिश शॉर्ट स्नाउट के मॉडल को बाहर निकाला, जिसकी गर्दन के कार्ड पर एक लिखा था। हैरी जानता था कि अब क्या बचा है। उसने अपना हाथ रेशम के बैग में डाला और हंगेरियन हॉर्नटेल को बाहर खींचा, जिसकी गर्दन वाले कार्ड पर 4 लिखा था। जब उसने ड्रैगन की तरफ देखा तो ड्रैगन ने अपने पंख फैलाए और अपने छोटे छोटे दांत दिखाने लगी। तो ठीक है, बैगमैन बोले, आप सभी ने ड्रैगन के जिस मॉडल को निकाला है आपको उसी का सामना करना है। उस पर नंबर लिखे हुए हैं। आप लोगों को इसी क्रम में ड्रैगनों का सामना करना है। ठीक है, मैं एक पल बाद आप लोगों को अकेले छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे कमेंट्री करनी है। मिस्टर डिगोरी, आपको सबसे पहले जाना है। बस सीटी की आवाज सुनते ही अहाते में बाहर चले जाना, ठीक है? अच्छा हैरी, एक मिनट सुनो, बाहर चलोगे? अर हाँ, हैरी ने सूनेपन से कहा और बैगमैन के साथ तंबू से बाहर चला गया। बैगमैन उसे पेड़ों के बीच कुछ दूर तक ले गए और फिर अपने चेहरे पर पिता जैसा भाव लाकर उसकी तरफ मुड़े। हैरी, ठीक तो लग रहा है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या? हैरी ने कहा। नहीं, मुझे मदद नहीं चाहिए। तुम्हारे दिमाग में कोई योजना है? बैगमैन ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, जैसे वे कोई साजिश कर रहे हों। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ उपाय सिखा सकता हूँ। यहाँ पर बैगमैन ने अपनी आवाज और धीमी की तथा आगे बोले, तुम सबसे छोटे चैंपियन हो हैरी, अगर तुम्हें किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो इशारा भर कर देना। नहीं, हैरी ने तपाक से कह तो दिया, लेकिन फिर उसे लगा कि बैगमैन को इतने सपाट जवाब से बुरा लग सकता है, इसलिए उसने बात को संभालते हुए जल्दी से यह भी जोड़ दिया। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं क्या करने वाला हूँ। धन्यवाद, बैगमैन ने उसे आंख मारते हुए कहा। किसी को भी पता नहीं चलेगा हैरी। नहीं, मुझे सचमुच कोई दिक्कत नहीं है, हैरी ने कहा और यह सोचने लगा कि उसे लोगों से यही वाक्य क्यों कहना पड़ता है। हालांकि सच तो यह था कि वह बहुत दिक्कत में था। मैंने एक योजना बना ली है। मैं तभी कहीं से सीटी बजने की आवाज सुनाई दी। हे भगवान, मुझे भागना पड़ेगा, बैगमैन दहशत में बोले और जल्दी से चले गए। हैरी वापस तंबू में जाने लगा। उसने देखा कि सेड्रिक तंबू में से बाहर निकल रहा था। उसका चेहरा पहले से ज्यादा हरा दिख रहा था। जब वह उसके पास से निकला तो हैरी ने उसे गुड लक कहा, लेकिन उसके मुंह से शब्द के बजाय सिर्फ एक हुंकार की आवाज निकली। हैरी तंबू में फ्लर और क्रम के पास चला गया। कुछ सेकंड बाद उन्हें दर्शकों का कोलाहल सुनाई दिया, जिसका मतलब यही हो सकता था कि सेड्रिक अहाते में घुस चुका है और ड्रैगन के सामने पहुंच चुका है। तंबू में बैठकर दर्शकों का शोर सुनना बहुत ही डरावना था। यह तो हैरी की कल्पना से भी बुरा था। जब सेड्रिक स्वीडिश शॉर्ट स्नाउट को पार करने की कोशिश कर रहा था तो दर्शक चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, आह भर रहे थे। क्रम अब भी जमीन को घूरे जा रहा था। फ्लर अब सेड्रिक की तरह तंबू में चारों तरफ घूमने लगी थी। उधर बैगमैन की कमेंट्री के कारण हैरी का डर और बढ़ रहा था। हैरी के मन में भयंकर तस्वीर आ गई जब उसने सुना, ऊह, बाल बाल बचे, बहुत ही करीबी मामला था। वह कितना बड़ा जोखिम ले रहा है, चतुर चाल, अफसोस कि यह काम नहीं आई। और फिर लगभग 15 मिनट बाद हैरी को कान फोड़ू शोर सुनाई दिया, जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, सेड्रिक ने ड्रैगन को पार करके उसका अंडा चुरा लिया है। बहुत ही बढ़िया, बैगमैन ने चिल्लाकर कहा, और अब निर्णायक अपने अंक दिखाएंगे। बैगमैन ने चिल्लाकर सेड्रिक के अंक नहीं बताए। हैरी को लगा कि निर्णायक अंक तख्तियों पर लिखकर दर्शकों को दिखा रहे होंगे। एक हो गया, 3 बचे हैं, बैगमैन चिल्लाए। जब सीटी दोबारा बजी, मिस डेलाकॉर, अब आपकी बारी है। फ्लर सिर से पैर तक कांप रही थी। जब वह अपना सिर तानकर और हाथ में छड़ी पकड़कर तंबू से बाहर निकली तो हैरी के मन में उसके प्रति सहानुभूति का सैलाब उमड़ने लगा। अब तंबू में सिर्फ वह और क्रम ही बचे थे। वे तंबू के अलग अलग छोर पर खड़े थे और एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। वही प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हुई। ओह, मुझे यकीन नहीं है कि वह काम समझदारी भरा था, उन्हें बैगमैन की खुशी भरी आवाज सुनाई दी। ओह, बहुत नजदीकी मामला, अब सावधान रहना। हे भगवान, मैंने सोचा था कि इससे काम बन जाएगा। 10 मिनट बाद हैरी को एक बार फिर दर्शकों की तालियों का जोरदार शोर सुनाई दिया। फ्लर भी सफल हो गई होगी। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। हैरी ने सोचा शायद निर्णायक फ्लर के अंक दिखा रहे होंगे। फिर तेज तालियां बजी और फिर तीसरी बार सीटी बजी। और अब आ रहे हैं मिस्टर क्रम, बैगमैन चिल्लाए और क्रम लंगड़ाते हुए बाहर चला गया। अब हैरी तंबू में अकेला रह गया था।
अब उसका ध्यान अपने शरीर पर गया, जो सामान्य स्थिति में कभी नहीं जाता था। उसे लगा कि उसका दिल अब ज्यादा तेजी से धड़क रहा था और उसकी उंगलियां डर के मारे सुन्न पड़ रही थीं। लेकिन वह अपने पर्स से ध्यान हटाकर तंबू की दीवारों को देखने लगा और दर्शकों का शोर सुनने लगा, जो बहुत दूर से सुनाई दे रहा था। बहुत दिलेरी का काम, बैगमैन चिल्ला रहे थे। हैरी को चाइनीज फायरबॉल की भयंकर चीख सुनाई दी। वह बहुत जोखिम ले रहा है, और हाँ, उसने अंडा उठा लिया। तालियों ने सर्द हवा को नाजुक शीशे की तरह तोड़ दिया। क्रम ने अपना काम पूरा कर लिया था। अब किसी भी पल हैरी की बारी आ सकती थी। हैरी उठकर खड़ा हुआ, उसके पैर कांप रहे थे। वह इंतजार करने लगा और फिर उसे सीटी बजने की आवाज सुनाई दी। वह तंबू से बाहर निकला। जब वह अहाते की फेंस की दरार में से होकर जा रहा था, तो उसके मन में दहशत के सिवाय और कुछ नहीं था। उसने अपने सामने की हर चीज को इस तरह देखा जैसे वह कोई बहुत ही रंगीन सपना देख रहा हो। सैकड़ों चेहरे दर्शक दीर्घाओं से उसकी तरफ देख रहे थे। जहां खड़े होकर उसने उस रात को ड्रैगन देखे थे, वहां पर जादू से दर्शक दीर्घाएं बना दी गई थी, और अहाते के दूसरे छोर पर हॉर्नटेल भी थी। वह अपने अंडों पर झुकी हुई थी। उसके पंख आधे खुले थे। उसकी शैतानी पीली आंखें हैरी पर टिकी थी। वह अपनी नुकीली पूंछ पटक रही थी, जिसके कारण सख्त जमीन पर एक गज लंबे निशान बन रहे थे। भीड़ अब बहुत ज्यादा शोर कर रही थी। हैरी को पता नहीं था कि दर्शकों का शोर दोस्ताना था या नहीं, और दरअसल उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। अब वह काम करने का वक्त आ गया था जो उसे करना था। अब उसे अपनी झाड़ू पर अपना ध्यान केंद्रित करना था। सिर्फ वही उसे बचा सकती थी। उसने अपनी छड़ी उठाई। आगमनो फायरबोल्ट, वह चिल्लाया। उसने इंतजार किया। उसका पोर पोर उम्मीद और प्रार्थना कर रहा था। अगर यह उपाय सफल नहीं हुआ, अगर फायरबोल्ट नहीं आई, तो क्या होगा? वह हर चीज को जैसे धुएं में से देख रहा था। उसे अहाता और अपने चारों तरफ के सैकड़ों चेहरे उस धुंध में तैरते हुए लग रहे थे। और फिर उसे फायरबोल्ट की आवाज सुनाई दी। वह उसके पीछे से तेज गति से उड़कर आ रही थी। उसने मुड़कर देखा कि उसकी फायर बोल्ट जंगल के किनारे से घूमकर अहाते में आई और उसके पास आकर बीच हवा में ही रुक गई, ताकि वह सवारी करने के लिए उस पर बैठ सके। भीड़ अब और भी ज्यादा शोर मचाने लगी। बैगमैन चिल्लाकर कुछ बोल रहे थे, लेकिन हैरी के कान सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। अब सुनना महत्वपूर्ण नहीं था। उसने अपना पैर झाड़ू पर डाला और जमीन पर पैर मारकर हवा में उठ गया। एक पल बाद एक चमत्कार हो गया। जब वह ऊपर उड़ा, तो हवा उसके बालों के बीच से निकली। दर्शकों के चेहरे सुइयों से बने छोटे सुराखों की तरह दिखने लगे, और हॉर्नटेल किसी कुत्ते जितनी छोटी दिखने लगी। ऊपर पहुंच जाने पर उसे एहसास हुआ कि वह न सिर्फ जमीन को अपने पीछे छोड़ आया था, बल्कि अपने डर को भी पीछे छोड़ आया था। वह अपने जाने पहचाने माहौल में था। यह एक और क्विडिच मैच था, सिर्फ एक क्विडिच मैच, और हॉर्नटेल एक और विरोधी टीम थी। उसने नीचे रखे अंडों की तरफ देखा। उसे सुनहरा अंडा दिख गया, जो सीमेंट जैसे रंग के अंडों के बीच में चमक रहा था। ये सभी अंडे ड्रैगन के अगले पैरों के बीच में रखे हुए थे। हैरी ने खुद से कहा, ठीक है, ध्यान भटकाने की नीति अपनाओ, चलो। उसने गोता लगाया। हॉर्नटेल का सिर उसकी दिशा में हिला। हैरी समझ गया कि वह क्या करने वाली है, इसलिए वह समय रहते मुड़ गया। ड्रैगन ने आग की एक लपट ठीक उसी जगह पर फेंकी थी जहाँ हैरी मुड़ने से पहले था, लेकिन हैरी को परवाह नहीं थी। यह तो क्विडिच में पहलवान से बचने की तरह था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। बहुत अच्छे, वह तो कमाल का उड़ लेता है, बैगमैन चिल्लाए जब दर्शक चीखे और आंखें फाड़ कर देखने लगे। मिस्टर क्रम, क्या आप देख रहे हैं? हैरी और ऊंचाई पर जाकर एक गोले में उड़ने लगा। हॉर्नटेल अब भी उसी की तरफ देख रही थी। उसका सिर उसकी लंबी गर्दन पर घूम रहा था। हैरी ने सोचा, अगर हॉर्नटेल का सिर इसी तरह गोल गोल घूमता रहेगा तो वह चकरा जाएगा, लेकिन हॉर्नटेल को ज्यादा सताना ठीक नहीं होगा, वरना वह फिर से आग उगलने लगेगी। जैसे ही हॉर्नटेल ने अपना मुंह खोला, हैरी नीचे आ गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। वह लपटों से तो बच गया, लेकिन हॉर्नटेल की पूंछ ऊपर हो गई, और जब हैरी बाई तरफ मुड़ा तो पूंछ की सींगदार नोक उसके कंधे को छू कर गई, जिससे उसका दुशाला फट गया। उसे दर्द हुआ और दर्शकों की चीखें तथा आहें सुनाई दी, लेकिन घाव गहरा नहीं लग रहा था। अब वह हॉर्नटेल के पीछे की तरफ उड़ने लगा, और अचानक उसे एक संभावना नजर आई। ऐसा लग रहा था कि हॉर्नटेल उड़ना नहीं चाहती थी। वह अपने अंडों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। हालांकि वह कसमसा रही थी और हिलडुल रही थी, अपने पंख फड़फड़ा रही थी और अपनी डरावनी पीली आंखें हैरी पर जमाई थी।
लेकिन वह अंडों से ज्यादा दूर जाने से घबरा रही थी। मगर हैरी को उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करना ही था, वरना वह कभी अंडों के पास नहीं पहुंच पाएगा। चतुराई भरी नीति यह थी कि वह यह काम सावधानी से और धीरे धीरे करे। वह उड़ने लगा, पहले इधर फिर उधर, पर वह ज्यादा पास नहीं उड़ रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं हॉर्न टेल फिर से आग न उगलने लगे। लेकिन फिर भी वह इतना खतरा जरूर उत्पन्न कर रहा था ताकि हॉर्न टेल की आंखें हैरी पर जमी रहें। हॉर्न टेल का सिर इधर उधर डगमगाता रहा। वह उसे अपनी ऊंची पुतलियों से देखती रही। उसके दांत साफ नजर आ रहे थे। हैरी और ऊंचाई पर पहुंचकर उड़ने लगा। हॉर्न टेल का सिर भी ऊपर की तरफ हो गया। उसकी गर्दन अब पूरी तरह तन चुकी थी। वह अब भी अपना सिर उसी तरह हिला रही थी जिस तरह कोई सांप सपेरे के सामने सिर हिलाता है। हैरी कुछ फुट और ऊपर हुआ। हॉर्नटेल परेशान होकर गर्जी। हैरी उसके लिए एक मक्खी की तरह था जिसका वह कचूमर बनाना चाहती थी। उसकी पूंछ एक बार फिर हवा में लहराई, लेकिन अब हैरी इतनी ज्यादा ऊंचाई पर था कि पूंछ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। उसने हवा में आग उगली, लेकिन हैरी उससे बच गया। हॉर्नटेल का जबड़ा चौड़ा हो गया। आ जाओ, हैरी बुदबुदाया और उसे ललचाते हुए उसके ऊपर इधर उधर उड़ता रहा। आ भी जाओ, आ जाओ और मुझे पकड़ो, ऊपर आओ अभी। ड्रैगन ने आखिरकार पीछे हटकर अपने बड़े काले पंख फैलाए जो किसी छोटे हवाई जहाज जितने चौड़े थे, और फिर हैरी ने गोता लगा दिया। इससे पहले कि ड्रैगन यह समझ पाती कि हैरी ने क्या किया या वह कहाँ गायब हो गया, हैरी पूरी तेजी से जमीन की तरफ, उन अंडों की तरफ जा रहा था जिनकी रक्षा अब ड्रैगन नहीं कर रही थी। उसने अपना हाथ अपनी फायर बोल्ट पर से हटाया और सुनहरे अंडे को पकड़ लिया, और फिर बहुत तेज गति से वह दोबारा ऊपर उड़ गया। अब वह दर्शक दीर्घाओं के ऊपर से उड़ रहा था। भारी अंडा सही सलामत उसकी बाहों में सुरक्षित दबा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने दर्शकों के शोर को सुनाने वाला बटन दबा दिया हो। पहली बार वह दर्शकों के शोर के प्रति जागरूक हुआ, जो चीख रहे थे और उतनी ही जोर से तालियां बजा रहे थे जितनी वर्ल्ड कप में आयरलैंड के समर्थक बजा रहे थे। जरा देखो तो सही, बैगमैन चिल्ला रहे थे, जरा देखो तो सही, हमारा सबसे छोटा चैंपियन अपने अंडे तक सबसे जल्दी पहुंचा। अब मिस्टर पॉटर के जीतने की संभावना उतनी कम नहीं लग रही है जितनी कि हमें पहले लग रही थी। हैरी ने देखा कि ड्रैगनों के रखवाले हॉर्नटेल को काबू में करने के लिए भाग कर आ रहे थे, और ड्रैगनों के अहाते के गेट पर प्रोफेसर मैकगोनिगल, प्रोफेसर मूडी और हैग्रिड उससे मिलने के लिए आ रहे थे। वे सभी उसकी तरफ देखकर हाथ हिला रहे थे। इतनी दूरी से भी उसे उनकी मुस्कुराहटें साफ दिखाई दे रही थी। वह दोबारा दर्शक दीर्घा के ऊपर उड़ने लगा। भीड़ के शोर के कारण उसके कान का पर्दा फटा जा रहा था। फिर वह आराम से जमीन पर उतरा। कई हफ्तों के बाद अब पहली बार उसका दिल हल्का हुआ था। अब उसने पहला काम पूरा कर लिया था, वह जिंदा बच गया था। जैसे ही वह अपनी फायर बोल्ट पर से उतरा, प्रोफेसर मैकगोनिगल बोली, बहुत बढ़िया पॉटर। वे किसी की भी तारीफ कम ही करती थी, इसलिए उनके मुंह से यह बहुत बड़ी तारीफ लगी। उसने देखा कि उसके कंधे की तरफ इशारा करते समय उनका हाथ कांप रहा था। निर्णायकों के तुम्हारा स्कोर बताने से पहले तुम्हें मैडम प्रॉम्फ्री के पास जाना होगा, वे डिगोरी का भी इलाज कर रही हैं। तुमने यह कर दिया हैरी, हैग्रिड ने रुधे हुए गले से कहा, तुमने यह कर दिया, वह भी हॉर्नटेल के खिलाफ। तुमने चार्ली की यह बात तो सुन ही ली होगी कि हॉर्नटेल सबसे खूंखार थी। धन्यवाद हैग्रिड, हैरी ने जोर से कहा ताकि हैग्रिड आगे बोलकर यह भांडा ना फोड़ दे कि उसने हैग्रिड को पहले से ड्रैगन्स दिखा दिए थे। प्रोफेसर मूडी भी बहुत खुश नजर आ रहे थे, उनकी जादुई आंख चारों तरफ नाच रही थी। वे बोले, आसान रास्ता सर्वश्रेष्ठ होता है पॉटर, प्रोफेसर मैकगोनिगल ने हैरी से कहा। पॉटर चलो फर्स्ट एड टेंट में चलो। हैरी अहाते से बाहर चला गया, वह अभी भी हांफ रहा था। उसने देखा कि मैडम प्रॉम्फ्री दूसरे तंबू के दरवाजे पर खड़ी हुई थी और चिंतित दिख रही थी। ड्रैगन, उन्होंने हिकारत भरे स्वर में कहते हुए हैरी को अंदर खींच लिया। तंबू कई खंडों में बटा हुआ था। उसे कैनवस के पार सैड्रिक की परछाई दिख रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सैड्रिक को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, वह बैठा हुआ था। मैडम प्रॉम्फ्री ने हैरी के कंधे की जांच की। इस दौरान वे गुस्से में लगातार बोलती जा रही थी, पिछले साल दम पिशाच, इस साल ड्रैगन, न जाने अगले साल इस स्कूल में क्या आएगा। तुम बहुत किस्मत वाले हो, घाव गहरा नहीं है, लेकिन इसे भरने से पहले इसकी सफाई करनी पड़ेगी। उन्होंने घाव को पीले द्रव में डूबे फाहे में साफ किया। घाव में से धुआं उठा और दर्द हुआ, लेकिन फिर मैडम प्रॉम्फ्री ने उसके कंधे पर अपनी छड़ी रख दी जिससे घाव तत्काल भर गया। अब 1 मिनट तक शांति से बैठो, बैठो,
इसके बाद ही अपना स्कोर देखने जाना। वे जल्दी से तंबू से बाहर चली गईं। हैरी को सुनाई दिया कि वे अगले खंड में सेड्रिक के पास जाकर उससे पूछ रही थी। अब कैसा लग रहा है डेवरी? हैरी चुपचाप नहीं बैठना चाहता था। वह बहुत ज्यादा रोमांचित था। वह उठकर खड़ा हुआ। वह देखना चाहता था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन वह तंबू के दरवाजे तक पहुंच पाता इससे पहले ही दो लोग धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आए। हरमाइनी और उसके पीछे रॉन भी था। हैरी, बहुत कमाल का काम किया, हरमाइनी ने चहकती हुई आवाज में कहा। उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान थे क्योंकि उसने डर के मारे खुद को नोच लिया था। बहुत अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। लेकिन हैरी तो रॉन को देख रहा था, जिसका चेहरा बहुत सफेद था और वह हैरी की तरफ ऐसे घूर रहा था जैसे वह कोई भूत हो। हैरी, उसने बहुत गंभीरता से कहा, जिसने भी तुम्हारा नाम आग के प्याले में डाला था, मुझे मुझे लगता है वो तुम्हारी जान लेना चाहता है। ऐसा लगा जैसे पिछले कुछ सप्ताह चली लड़ाई कभी हुई ही ना हो। ऐसा लगा जैसे हैरी आग के प्याले से अपना नाम निकलने के बाद रॉन से पहली बार मिल रहा हो। अच्छा, तो यह बात तुम्हें समझ में आ गई? हैरी ने ठंडेपन से कहा। लेकिन समझने में बहुत देर लग गई है ना? हरमाइनी उन दोनों के बीच घबराई हुई खड़ी थी। वह कभी हैरी को तो कभी रॉन को देख रही थी। रॉन ने अपना मुंह खोला और सोचने लगा कि क्या कहे। हैरी जानता था कि रॉन माफी मांगने वाला है, लेकिन अचानक उसने पाया कि वह रॉन के माफी मांगने वाले शब्द नहीं सुनना चाहता। रॉन के माफी मांगने से पहले ही हैरी ने कहा, चलो ठीक है, अब पुरानी बातें भूल जाओ। नहीं, रॉन बोला, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भूल भी जाओ, हैरी ने कहा। रॉन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और हैरी भी मुस्कुरा दिया। हरमाइनी रोने लगी। हैरी ने परेशानी से उससे पूछा, इसमें रोने की क्या बात है? तुम दोनों बहुत मूर्ख हो, वह चिल्लाई। उसने अपने पैर जमीन पर पटके और उसके आंसू उसके दुशाले पर टपकने लगे। फिर इससे पहले कि उनमें से कोई भी उसे रोक पाता, हरमाइनी ने उन दोनों को जल्दी से गले लगाया और जोर जोर से सुबकती हुई वहां से भाग गई। पागल है, रॉन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हैरी, चलो वे तुम्हारा स्कोर दिखाने वाले होंगे। अपने सुनहरे अंडे और फायर बोल्ट को उठाते हुए हैरी तंबू से बाहर चला गया। 1 घंटे पहले वह यह सोच ही नहीं सकता था कि उसे इतनी खुशी मिल सकती थी। रॉन उसके बगल में तेजी से बोलता जा रहा था, तुमने यह काम सबसे बढ़िया तरीके से किया। कोई तुम्हारे आसपास भी नहीं आ सकता। सैड्रिक ने एक अजीब चीज की थी। उसने एक चट्टान का रूप परिवर्तन कर दिया था। उसने उसे कुत्ते में बदल दिया था। वह कोशिश कर रहा था कि ड्रैगन उसके बजाय कुत्ते के पीछे पड़ जाए। यह बहुत बढ़िया रूप परिवर्तन था और यह कुछ हद तक कारगर भी रहा क्योंकि सैड्रिक ने अंडा उठा लिया। लेकिन सैड्रिक जल भी गया क्योंकि ड्रैगन ने आधी दूरी तक जाने के बाद अपना इरादा बदल दिया और यह फैसला किया कि वह कुत्ते के बजाय सैड्रिक का ही पीछा करेगी। वह मुश्किल से बच पाया। फिर फ्लर की बारी थी। उसने सम्मोहन करने की कोशिश की। मुझे लगता है वह उसे मदहोश करने की कोशिश कर रही थी। वह भी कामयाब हो गई क्योंकि ड्रैगन की नींद लग गई। लेकिन खर्राटे लेते समय ड्रैगन के मुंह से लपट बाहर निकली और फ्लर की स्कर्ट में आग लग गई। उसने अपनी छड़ी से पानी निकालकर आग बुझाई और फिर क्रम की बारी आई। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन उसने उड़ने के बारे में सोचा भी नहीं। तुम्हारे बाद शायद उसी ने सबसे अच्छी तरह से यह काम किया था। उसने ड्रैगन की आंख में किसी तरह का मंत्र मारा। दिक्कत यह थी कि ड्रैगन दर्द के मारे इधर उधर डगमगाने लगी और उसने अपने आधे अंडे कुचल डाले। इसके लिए क्रम के नंबर काट लिए गए क्योंकि उसे अंडों को कोई नुकसान नहीं होने देना था। जब रॉन और हैरी अहाते के कोने तक पहुंचे तो रॉन ने गहरी सांस ली। अब हॉर्नटेल को ले जाया जा चुका था। हैरी को दिख गया कि 5 निर्णायक दूसरे सिरे पर बैठे हुए थे और उनकी सोने से मढ़ी कुर्सियां ऊपर उठी हुई थी। हर निर्णायक 10 में से अंक देगा, रॉन ने कहा। हैरी ने ऊपर देखते हुए पहले निर्णायक को देखा, मैडम मैक्सिम। उन्होंने अपनी छड़ी ऊपर उठाई। उसमें से एक लंबी रिबन जैसी सफेद चीज निकली जिसने घूमकर खुद को 8 के बड़े अंक में बदल लिया। बुरा नहीं है, रॉन ने कहा जब दर्शकों ने तालियां बजाई। मुझे लगता है उन्होंने तुम्हारे कंधे की चोट के नंबर काटे होंगे। इसके बाद मिस्टर क्राउच की बारी आई। उन्होंने हवा में 9 का अंक दिखाया। बहुत बढ़िया, रॉन चिल्लाया और उसने हैरी की पीठ ठोकी। फिर डंबलडोर की बारी आई। उन्होंने भी 9 अंक दिए। दर्शक अब पहले से ज्यादा जोर से तालियां बजाने लगे। लूडो बैगमैन 10। 10? हैरी ने अविश्वास से कहा। लेकिन मुझे चोट लगी थी, वे कर क्या रहे हैं? हैरी, शिकायत मत करो, रॉन रोमांच से चिल्लाया।
और फिर कारक्रॉफ्ट ने अपनी छड़ी उठाई। वे एक पल के लिए रुके और फिर उनकी छड़ी से अंक निकला, 4। क्या? रॉन गुस्से में चिल्लाया, 4? घटिया आदमी, तुमने क्रम को तो पूरे 10 नंबर दिए थे। लेकिन हैरी को परवाह नहीं थी। अगर कारप्रॉफ ने उसे 0 भी दिया होता तब भी उसे परवाह नहीं होती। उसकी तरफ से रॉन का गुस्सा ही उसके लिए 100 नंबरों के बराबर था। जाहिर है उसने रॉन को यह नहीं बताया, लेकिन जब वह अहाते से जाने के लिए मुड़ा तो उसका दिल काफी हल्का हो चुका था। और यह सिर्फ रॉन के कारण ही नहीं था। दर्शकों में सिर्फ गरुड़द्वार के विद्यार्थी ही ताली नहीं बजा रहे थे। जब उन्होंने यह देखा कि हैरी किस चीज का सामना कर रहा है, तो ज्यादातर विद्यार्थी सेड्रिक के साथ साथ उसका भी समर्थन करने लगे। उसे नागशक्ति के विद्यार्थियों की परवाह नहीं थी। अब वे चाहे जो कहें, वह उनके तानों को आराम से झेल सकता था। तुम पहले स्थान पर आ गए हो हैरी, तुम्हारे और क्रम दोनों के नंबर बराबर हैं, चार्ली वीजली ने कहा, जो उनसे मिलने के लिए तब तेजी से पास आ गया जब वे स्कूल की तरफ वापस जाने लगे। सुनो, मैं जल्दी से जाता हूँ, मुझे जाकर मम्मी को उल्लू भेजना है। मैंने वादा किया था कि उन्हें पहले काम के बारे में बताऊंगा, लेकिन यह तो अविश्वसनीय था। ओ हाँ, और बैगमैन ने मुझसे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर कुछ देर और रुकना है। बैगमैन तुम्हें चैंपियनों के तंबू में बुला रहे हैं। रॉन ने कहा कि वह बाहर रुककर हैरी के लौटने का इंतजार करेगा। हैरी दोबारा तंबू में चला गया। अब तंबू बहुत अलग लग रहा था। अब यह दोस्ताना लग रहा था और उसका स्वागत करता महसूस हो रहा था। वह याद करने लगा कि हॉर्नटेल को चकमा देते समय उसे कैसा महसूस हो रहा था। फिर उसने उसकी तुलना अपनी बारी के लंबे इंतजार से की। दोनों की कोई तुलना ही नहीं हो सकती थी। इंतजार मुकाबले से बहुत ज्यादा बुरा था। फ्लर, सेड्रिक और क्रम एक साथ अंदर आए। सेड्रिक के चेहरे के एक हिस्से पर नारंगी क्रीम की मोटी परत लगी थी ताकि उसकी जलन ठीक हो जाए। जैसे ही उसने हैरी को देखा वह मुस्कुरा दिया। बहुत बढ़िया हैरी, और तुम भी, हैरी ने भी मुस्कुराते हुए कहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सभी का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, लूडो बैगमैन ने तंबू में फुदकते हुए कहा। वे इतने खुश दिख रहे थे जैसे उन्होंने भी अभी अभी ड्रैगन को पार किया हो। अब मैं जल्दी से आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ। दूसरे काम से पहले आपको आराम करने का काफी समय मिलेगा। दूसरा काम 24 फरवरी को सुबह 9:30 बजे होगा, लेकिन इस दौरान हम आप लोगों को सोचने के लिए कुछ दे रहे हैं। आप लोगों के हाथ में जो सोने के अंडे हैं उन्हें गौर से देखिए, वे खुल सकते हैं। आपको इन अंडों में लगे कब्जे दिख रहे होंगे। आपको अंडों के अंदर के सुराग को समझना होगा, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि दूसरा काम क्या है और आपको उसके लिए क्या तैयारी करनी है। सभी लोग समझ गए? अच्छा, तो आप लोग जा सकते हैं। हैरी तंबू से बाहर निकला और एक बार फिर रॉन के पास पहुंच गया। वे लोग जंगल के किनारे से घूमकर जाने लगे। चलते चलते रॉन बहुत तेजी से बातें बता रहा था। हैरी विस्तार से जानना चाहता था कि बाकी चैंपियनों ने क्या क्या किया था। जब वे उन पेड़ों के झुरमुट के पास पहुंचे जहाँ हैरी ने सबसे पहले ड्रैगन की गरज सुनी थी, तो एक जादूगरनी अचानक पेड़ों के पीछे से बाहर निकली। वे रीटा स्कीटर थी। आज वे हरे दुशाले पहनी हुई थी और उनकी तीव्र कथन कलम उनके हाथ में थी। बधाइयाँ हैरी, उन्होंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें उस ड्रैगन का सामना करते समय कैसा महसूस हुआ? तुम्हें स्कोरिंग के अन्याय के बारे में कैसा लगा? ज्यादा नहीं बताओगे तो भी चलेगा, सिर्फ 2 शब्द ही काफी होंगे। हाँ, मैं आपसे 2 शब्द कह सकता हूँ, हैरी ने गुस्से से कहा। गुड बाय, और फिर वह रॉन के साथ महल की तरफ चल दिया।